नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल पुलिस ने मंगलवार शाम FIR दर्ज कर ली है। खरगोन हिंसा को लेकर एक फर्जी फोटो ट्वीट कर धार्मिक भावनाएं भड़काने सहित IPC की धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा किया गया है। जो धाराएं लगाई गई हैं वे सभी जमानती हैं। खरगोन में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद मंगलवार सुबह दिग्विजय सिंह ने एक मस्जिद का फोटो ट्वीट किया था। फोटो में भगवा झंडा हाथों में थामे एक उन्मादी मस्जिद की मीनार पर चढ़ा दिख रहा था। मस्जिद के बाहर भी हाथों में तलवारें, डंडे और भगवा थामे लोग खड़े नजर आ रहे थे। फोटो में महिला और बच्चे भी उन्मादियों में शामिल थे। दिग्विजय ने इस फोटो को खरगोन का बताकर ट्वीट किया, लेकिन ये फोटो बिहार के मुजफ्फरपुर का बताया गया, जिसके बाद राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बेहद नाजुक अवसर पर राज्यसभा के सदस्य और कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह का हिंसा भड़काने वाला कृत्य अशोभनीय और गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने एक्शन लेने की बात कही थी। ठेकेदार संतोष पाटिल के द्वारा आत्महत्या करने के मामले में कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री KS ईश्वरप्पा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। यह FIR IPC की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर दर्ज की गई है। ठेकेदार का शव मंगलवार को मिला था। उसने एक सुसाइड नोट में ईश्वरप्पा को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और BS येदियुरप्पा और तमाम लोगों से उसकी पत्नी और बच्चों की मदद करने की गुहार लगाई थी। दिल्ली में खुद को गौरक्षक बताने वाले 10 से 15 लोगों के समूह ने गौवध के संदेह में एक फार्म हाउस के देखभाल करने वाले को कथित तौर पर पीट पीट कर मार डाला, दो लोगों को घायल कर दिया। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि घटना सोमवार को हुई, जिसमें यहां द्वारका के छावला क्षेत्र में एक फार्म हाउस की देखभाल करने वाले राजाराम की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में सूचना मिली थी कि पुरुषों का एक समूह गौवध कर रहा है और इलाके में मांस बेच रहा है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक टीम को मौके पर भेजा गया, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाती, खुद को गौरक्षक बताने वाले 10 से 15 अज्ञात लोग फार्म हाउस पहुंच गए और अंदर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले में 2 FIR दर्ज की गई हैं। ये जो घटना जहां हुई वो पुलिस स्टेशन से 500 मीटर ही दूर बताई जा रही है। राजाराम की पत्नी का कहना है कि वो 8 गायों की देखभाल करते हैं, गायों को नहीं मारते हैं। उनका कहना है कि केवल उनके पति को ही गाय का दूध निकालना आता था, अब क्या होगा अगर गाय वाले अपनी गायें वापस ले लेते हैं। उनके 4 बच्चे हैं और जीने के लिए पैसे भी नहीं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच CNG के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अप्रैल की शुरुआत के बाद से ही कीमतें 7 रुपये तक बढ़ चुकी हैं। वहीं अब महाराष्ट्र में 13 अप्रैल से CNG के खुदरा भाव 5 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही PNG के दाम भी 4.5 रुपये भी बढ़ा दिए गए हैं। मुंबई में CNG अब 72 रुपये प्रति किलो और PNG 45.5 रुपये हो गई है। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ ना बोलने पर भारत को G7 की मीटिंग से दूर रखने पर जर्मनी विचार कर रहा है। जर्मनी 26 से 28 जून तक G7 देशों की मीटिंग होस्ट करने वाला है, लेकिन इसमें भारत को ना बुलाने पर विचार किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में ऐसा दावा किया है। सूत्रों ने कहा कि G7 मीटिंग में जर्मनी, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया को गेस्ट के तौर पर शामिल करने पर विचार कर रहा है। दरअसल गेस्ट लिस्ट यूक्रेन पर हमले से पहले ही तैयार की गई थी, जिसमें भारत भी था, लेकिन अब इस लिस्ट को लेकर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं है। ब्लूमबर्ग से बातचीत में जर्मन सरकार के प्रवक्ता स्टेफन हेवेस्टेट ने कहा कि जल्द ही G7 की गेस्ट लिस्ट फाइनल की जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्यकर्ता PTI के सोशल मीडिया विभाग से जुड़े हैं और इन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज के मुखिया कमर जावेद बाजवा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक अभियान चलाया है। इमरान के प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद PTI के कार्यकर्ता पूरे देश में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके निशाने पर सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका के साथ ही कमर जावेद बाजवा भी हैं। PTI के 8 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पंजाब प्रांत के अलग अलग हिस्सों से हुई है और ये गिरफ्तारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत में गतिरोध पैदा हो गया है, क्योंकि कीव इस्तांबुल में हुए समझौते से भटक गया। पुतिन ने दावा किया कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर यूक्रेन की अस्थिरता ने अंतिम समझौते को हासिल करना मुश्किल बना दिया और जब तक ये नहीं होता है हमारा सैन्य अभियान अपने पूर्ण अंत तक जारी रहेगा। उन्होंने रूस के सुदूर पूर्व में वोस्तोचन स्पेस लॉन्च सेंटर की यात्रा के दौरान कहा, सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ये पूरा नहीं हो जाता और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लिया जाता। पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन इस्तांबुल में रूसी वार्ताकारों के साथ बातचीत के दौरान किए गए प्रस्तावों से पीछे हट गया, जिसके परिणामस्वरूप वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया और रूस के पास अपने आक्रामक रवैये के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा।
न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन स्टेशन पर हुई फायरिंग को पुलिस ने आतंकी हमला नहीं माना है। फायरिंग में घायल हुए लोगों को नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसमें लगभग 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले में फ्रैंक आर जेम्स नाम के शख्स की तलाश कर रही है। जेम्स की उम्र 62 साल है। हालांकि जेम्स ही हमलावर है, अभी पुलिस ने ऐसा नहीं कहा है। हमलावर ने गैस मास्क पहना हुआ था और लोगों पर गोलियां चलाने से पहले उसने धुआं फैलाने वाले दो बम भी फेंके थे। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि संदिग्ध ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी की वर्दी पहनी थी और साथ ही गैस मास्क भी पहना हुआ था। हालात को देखते हुए पुलिस, दमकल विभाग सहित तमाम एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।